5.0 USB डोंगल ब्लूटूथ अडेप्टर। ये तो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक USB डोंगल के बारे में, USB ब्लूटूथ डोंगल। जो USB ब्लूटूथ डोंगल आप ढूंढ रहे हैं अपने कंप्यूटर के लिए, आपका हेडफोन या ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट करने के लिए, उसी के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्लूटूथ डोंगल। तो आप मेरे अनस्टैक सॉल्यूशन में आज के इस वीडियो में आप एक ब्लूटूथ अडेप्टर का रिव्यू देखने वाले, और प्लस ब्लूटूथ अडेप्टर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और ब्लूटूथ अडेप्टर होता क्या और कंप्यूटर में इंस्टॉल क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब चीज़ हम लोग वो देखने वाले। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में भी लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह मेरा ब्लूटूथ वर्क कर रहा है मेरे इस हेडफोन पे। मेरे इस हेडफोन पे ब्लूटूथ अडेप्टर काम करेगा। प्लस ब्लूटूथ अडेप्टर जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है 5.0 USB डोंगल ब्लूटूथ अडेप्टर। ये जो 5.0 USB ब्लूटूथ अडेप्टर है ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। इसका मैं प्राइसिंग और इसका जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आपको ये मंगाना होगा तो आप मंगा सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल इसका प्राइस है और आप इसको मंगा सकते हैं। आपको ये अलग अलग प्राइस रेंज के इसमें मिल जाएगा, बट अमेज़ॉन में जो मैंने अपना फ्लिपकार्ट के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उधर से आप बाय करेंगे, एक बार आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं कितना ही एकदम लो कॉस्ट में ये आपको मिल रहा है ब्लूटूथ अडेप्टर। तो आप ये ब्लूटूथ अडेप्टर को मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से बाय कर सकते हैं। और फिर ये ब्लूटूथ अडेप्टर का क्या ऐसा यूज़ है, अगर आपने ये ब्लूटूथ अडेप्टर मंगा लिया है तो इसका कैसा यूज़ है और इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस ब्लूटूथ अडेप्टर को ओपन करता हूँ। तो नॉर्मली इसका ब्लूटूथ अडेप्टर को मैं ओपन इस तरह से आपको करना है, तो ये नॉर्मली ऐसा ओपन हो जाएगा और इधर आपका एक पेज रहेगा कार्ड। तो ये कार्ड को मैं नॉर्मली ऐसा ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये ही है आपका ब्लूटूथ अडेप्टर, तो इधर स्टिक हो गया है। तो इस तरह से आप भी आपका ऐसा ब्लूटूथ अडेप्टर होगा। तो नॉर्मली मैंने ब्लूटूथ अडेप्टर निकाल दिया है और इधर वोल्टूथ लिखा हुआ है 5.0, तो आप इसको देख सकते हैं क्लियरली 5 से 0.5। तो यही है आपका अपना ब्लूटूथ अडेप्टर जिससे हम लोग इसका बहुत सारा वर्क है। सबसे पहला ये जो ब्लूटूथ अडेप्टर है हम लोग हेडफोन स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा ब्लूटूथ का जो भी काम रहता है मोबाइल से, जो भी काम रहता है आपका मोबाइल का डिस्प्ले हम लोग कंप्यूटर में शो कर सकते हैं। इस तरीके का हम लोग बहुत चीज़ इस अडेप्टर की मदद से हम लोग कर सकते हैं। अभी मैं ये अडेप्टर को आपको मैं अपने USB जो अपना मेरा CPU है, ये USB में ये CPU में लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहले आपको अपना कंप्यूटर या डेस्कटॉप ऑन कर लेना है। मैंने अपना डेस्कटॉप ऑन कर दिया और ये मेरा डेस्कटॉप ऑन हो चुका है। तो डेस्कटॉप ऑन होने के बाद मैं इधर CPU में चलता हूँ और CPU में जो ये पेन ड्राइव जो है मैं अटैच करूँगा। ये पेन ड्राइव आपको इस तरह से अटैच करना है और ये लाइट जलना चालू हो जाएगा। तो मैं इधर अटैच कर लिया हूँ और ये अटैच करने के बाद आप जैसे ही PC ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद ये आपका ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद मैं आपको डेस्कटॉप में दिखाता हूँ कि किस तरह का ये जो V5.0 है वो किस तरह वर्क कर रहा है PC में। अपने डेस्कटॉप मोड में आ गया हूँ और डेस्कटॉप मैंने ऑन कर लिया और वो ब्लूटूथ अडेप्टर जो है, ये जो 5.0 ब्लूटूथ अडेप्टर जो है वो मैंने कनेक्ट कर चुका हूँ। मैंने PC भी ऑन कर चुका हूँ और वो जो अडेप्टर है नॉर्मली वो कनेक्ट कर चुका हूँ। और वो कनेक्ट करने के बाद आपका अगर विंडोज 10 है तो आपको सिंपली आपने जो ब्लूटूथ कनेक्ट किया है वो आपको इधर शो करेगा। इधर जैसे आप कनेक्ट करेंगे आपको ये ब्लूटूथ इधर शो करेगा, इधर विंडोज 10 है अगर आपका तो विंडोज 10 है तो आप ब्लूटूथ इधर टाइप करेंगे सिंपली, तो इधर भी आपको ब्लूटूथ एंड अदर सर्विस मिल जाएगा अडेप्टर अटैच करने के बाद। ओके, अगर आपका विंडोज 7 या 8 है तो आपको ब्लूटूथ अडेप्टर वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक ड्राइव है ब्लूटूथ ड्राइव आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपका विंडोज 7 या विंडोज 8 है तो ब्लूटूथ ड्राइव इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो आपको ब्लूटूथ अडेप्टर CPU में लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्रॉपरली वर्क करेगा ब्लूटूथ स्पीकर या ब्लूटूथ हेडफोन जो भी है, तो आपका अगर विंडोज 7 या 8 है तो। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको नहीं पता कि आप किस तरह से ब्लूटूथ ड्राइव को इंस्टॉल करेंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप देखिए कि किस तरह से ब्लूटूथ अडेप्टर
ब्लूटूथ जो इंस्टॉल, अरे ब्लूटूथ का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल करो, और इंस्टॉल करने के बाद आप वो यूज़ करो। बट मेरा तो विंडोज़ 10 है, तो विंडोज़ 10 में मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा। विंडोज़ 10 है तो विंडो अडेप्टर ऐड किया, उसके बाद इधर मैं गया, इधर मैं सिंपली इधर मैं ब्लूटूथ ऑन करता हूँ। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद, ब्लूटूथ को क्लिक करने के बाद आपको इधर बहुत सारा ऑप्शन दिखने को मिल रहा है। तो मेरे को तो अभी ये मेरा हेडफोन ऐड करना है, तो मैं हेडफोन तो ऐड हो ही चुका था मेरा, तो मैं आपको ओरिजिनली फाइल ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ, फ़ोटो ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, और मोबाइल से मैं आपको फ़ोटो ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ ब्लूटूथ के ज़रिए। ये मोबाइल से वो उधर डेस्कटॉप में फ़ोटोस ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। तो पहले मेरे को ब्लूटूथ को ऐड करना पड़ेगा, मोबाइल का ब्लूटूथ को डेस्कटॉप के ब्लूटूथ में ऐड करना होगा। तो मैं ऐड अ ब्लूटूथ डिवाइस करता हूँ, उस थोड़ा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद जो है वो ब्लूटूथ को आपको ऑन करना है। नॉर्मली मैं ये इधर ब्लूटूथ है, इधर मैं ब्लूटूथ को इधर ऑन करता हूँ ब्लूटूथ को, और इधर से भी मैंने ब्लूटूथ को ऑन किया है, और ऐड अ ब्लूटूथ और अदर डिवाइस में मैं जाता हूँ। उसके बाद आपको इधर ब्लूटूथ में जाना है। ब्लूटूथ में जाने के बाद मैं भी इधर देखता हूँ डेस्कटॉप का कुछ आया। इधर मेरा मोबाइल बता रहा है Redmi Note 7S बता रहा है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और कनेक्टिंग में पेयर करूँगा। फिर इधर भी मेरे को ऑप्शन आएगा, तो मैं इसको ओके करूँगा। तो इधर मेरे को कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इधर मेरे को पेयर का ऑप्शन आ रहा है, देखिए। तो मैं इधर नॉर्मली इधर पेयर में क्लिक करूँगा। पेयर में क्लिक करने के बाद जो है वो मेरा पेयर हो जाएगा। पेयर में मैंने क्लिक किया और इधर मैंने कनेक्ट में क्लिक किया है, तो ये मेरा जो है डेस्कटॉप ये दिखा रहा है, ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। तो ये मेरा कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट होने के बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अभी मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। सो अभी मेरा कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद जो है मैं अभी आपको फ़ाइल ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। तो नॉर्मली इधर मैं इसमें जाता हूँ, अभी मैं इसमें जाता हूँ इमेजेस में, और इमेजेस में जाने के बाद मैं ये फ़ोटो जो है ये फ़ोटो मैं सेंड करता हूँ, ये फ़ोटो मैं अपने डेस्कटॉप में सेंड करता हूँ बाय द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ। तो मैं इधर सेंड में क्लिक करूँगा। सेंड में क्लिक करने के बाद आपको इधर ब्लूटूथ का ऑप्शन देखना है, ब्लूटूथ का ऑप्शन। तो इधर मेरे को ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं ब्लूटूथ का ऑप्शन में क्लिक करूँगा, और फिर मेरे को किस में सेंड करना है, मेरे पास 3 ऑप्शन है। तो मैंने डेस्कटॉप में क्लिक किया, और डेस्कटॉप में क्लिक करने के बाद ये जो है फाइल जो है सेंडिंग हो रहा है। तो इधर मेरा जो है ब्लूटूथ शेयर सेंड फाइल। अंतिम वीडियो में बस इतना ही था कि आपको मैं बताना था कि ब्लूटूथ का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, और ब्लूटूथ का यूज़ होने के बाद आप उसको ऑफ कर दीजिए अगर आपने आपका मोबाइल कनेक्ट कर चुके हैं, और फाइल भी ट्रांसफ़र हो चुका है। फाइल ट्रांसफ़र तो मेरा हो ही चुका है। फाइल ट्रांसफ़र होने के बाद अगर आपको हेडफोन भी कनेक्ट करना है, तो इसी तरह से आप हेडफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ब्लूटूथ में वर्क हो चुका है, तो मैं अभी ब्लूटूथ को इधर ऑफ़ करता हूँ। नॉर्मली इधर मैं ब्लूटूथ को ऑफ़ करता हूँ, और हेडफोन को भी मैं ऑफ़ करता हूँ, और मेरा मोबाइल डिवाइस भी हो गया। तो इस तरह से आप ब्लूटूथ को पेयर कर सकते हैं, और आपका ब्लूटूथ पूरा अच्छे तरीके से वर्क करेगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही था कि आपको मैंने 5.0 ब्लूटूथ अडेप्टर के बारे में बताया। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को कीजिए लाइक, और अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू गाइस।